नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जानते हैं मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशन बनाता हूं, ऑथेंटिक लेटेस्ट और वेरीफाइड जानकारी डायरेक्टली यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से लेके वेरीफाई करके आपको समझाते हैं। आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, इरेक्शन प्रॉब्लम के बारे में, क्या होती है इरेक्शन प्रॉब्लम, किसको होती है, क्यों होती है, कितनी कॉमन है, क्या कारण है, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, क्या क्या बीमारियों से हो सकती है, क्या क्या दवाओं से हो सकती है, क्या क्या दवाएं इसके लिए दिए जाते हैं, क्या क्या टेस्ट है और आप क्या क्या कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे A to Z। सो लेट्स स्टार्ट। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों, erectile dysfunction से छोटी चीज है erection problem. ये दो अलग चीजें हैं। Erection problem वो है कि अगर आप एक मर्द अपना erection या तो अचीव नहीं कर पा रहा या मेंटेन नहीं कर पा रहा कि वो इंटरकोर्स कर सके, तो उसे इरेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। आप इरेक्शन अचीव नहीं कर पा रहे, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अचीव हो रहा है लेकिन एक्चुअल इंटरकोर्स से पहले ही वो इरेक्शन लूज हो जा रहा है। और ये इरेक्शन प्रॉब्लम आपकी सेक्स ड्राइव को अफेक्ट नहीं करता, आप सेक्स करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सो इरेक्शन प्रॉब्लम क्यों होता है? सबसे पहले तो ये बहुत कॉमन है, ये सबको होता है, एक्चुअली में सबको होता है। ऑलमोस्ट सारे मर्दों को कभी ना कभी किसी ना किसी उम्र में कुछ समय के लिए तो इरेक्शन प्रॉब्लम होता ही है, जी हाँ। और कई लोगों में एक्चुअली ये बिना किसी इलाज के, बिना किसी ट्रीटमेंट के खुद ठीक हो जाता है, मगर कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में ये लंबे समय तक बना रहता है और उस कंडीशन को कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। सो अगर 25% से ज्यादा बार आपको ऐसा हो रहा है कि आप इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे या अचीव नहीं कर पा रहे, तो आप फिर डॉक्टर से बात करें, क्योंकि वो फिर देखेंगे कि इनके कारण क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी आपका इरेक्शन होता है, इसमें आपका दिमाग काम करता है, आपकी नसें काम करती है, आपके हॉर्मोन्स काम करते हैं और खून की नसें, ब्लड वेसल्स, वेन्स काम करती हैं। इन चारों के तालमेल से इरेक्शन होता है, और इनमें से कहीं भी गड़बड़ आ जाए तो इरेक्शन प्रॉब्लम आ सकता है। और इरेक्शन प्रॉब्लम ज्यादातर सिर्फ दिमाग में नहीं होता, इसका कोई ना कोई फिजिकल कारण जरूर होता है। कई बीमारियों के वजह से इरेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की, थायराइड की, या खून की नसों में ब्लॉकेज, एथेरोस्क्लेरोसिस, डिप्रेशन, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या पार्किंसंस डिजीज, इन सारी बीमारियों में आगे चल के आपको इरेक्शन प्रॉब्लम आ सकते हैं। कई दवाओं के वजह से एज अ साइड इफेक्ट इरेक्शन प्रॉब्लम टेम्पररीली आ सकते हैं। अगर आप कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन जैसे कि बीटा ब्लॉकर खासकर वो ले रहे हैं, हार्ट की कुछ दवाइयां जैसे डिगोक्सिन, कुछ स्लीपिंग पिल्स, कुछ पेप्टिक अल्सर की गैस की गोलियों तक से ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। और कई एक्चुअल फिजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके अंदर, जैसे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया। अगर ये कम हो गया तो आपको इरेक्शन आएगा भी नहीं और आपका सेक्स ड्राइव भी कम हो जाएगा, राइट। और अगर मान लो आपने प्रोस्टेट या पेनिस के आसपास कोई सर्जरी कराई है और वहां जाने वाली नस जो है, नर्व है, डैमेज हो गई है, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से वहां की नर्व डैमेज हो गई है, तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर अगर आप बहुत ही ज्यादा अल्कोहल, निकोटीन, स्मोकिंग, टबैको, कोकेन, ड्रग्स कुछ लेते हैं, तो इनमें से किसी से भी ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। कई बार इनमें से कोई भी फिजिकल कारण नहीं होता, सिर्फ इमोशनल कारण होता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन नहीं होता, मन ही नहीं करता।
ये ज्यादातर उनमें होता है जब पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं, बातचीत अच्छी नहीं होती, ज्यादा बातचीत नहीं करते, या फिर अगर आप ही को आपके आपकी क्षमता पे डाउट है कि आप नहीं कर पाएंगे, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत डरे हुए हैं, एनजाइटी है, गुस्सा है, इन सब कारणों के वजह से आपके इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर आप बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक्सपेक्टिंग टू मच, जिससे कि एक सेक्स आपके लिए एक टास्क बन जाता है, ना कि एक प्लेजर, राइट? सो ये प्रॉब्लम, इरेक्शन प्रॉब्लम किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती, ओल्ड एज में ज्यादा पाया जाता है। फिजिकल कारण ज्यादा कॉमन है ओल्ड एज में, और जो साइकोलॉजिकल इमोशनल कारण है वो ज्यादा कॉमन है यंग एज में, राइट? और साइकोलॉजिकल कारण धीरे धीरे खुद ठीक हो जाते हैं। सो अगर आपको इरेक्शंस हो रहे हैं नींद में, नाइट में, या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप सो रहे हैं तब इरेक्शन हो रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपके अंदर फिजिकल कारण नहीं है, इमोशनल कारण ही है। ज्यादातर मर्दों को 3 से 5 बार इरेक्शंस होते हैं रात में, और कई बार ये इरेक्शन 30-30 मिनट तक रह सकते हैं। सो आप अपने डॉक्टर से बात करिए ताकि हम पता कर सकें कि आपको ये क्यों हो रहा है, राइट? अगर आपके जो नाइट टाइम इरेक्शंस हैं नॉर्मल है या नहीं। सो अगर आपको है इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो आपके सिम्टम क्या होंगे? ऑब्वियसली आप इरेक्शन अचीव नहीं कर पा रहे, या मेंटेन नहीं कर पा रहे, या आपका इरेक्शन हो रहा है लेकिन वो इतना फर्म नहीं है कि इंटरकोर्स हो सके, राइट? या फिर आपका इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है सेक्स में, राइट? ये सारे सिम्टम्स होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे, आपके ब्लड प्रेशर, शुगर से लेके आपके पेनिस तक, आपके रेक्टल एरिया तक चेक होगा, और बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि पहले पास्ट में आप इरेक्शन मेंटेन कर पाते थे या नहीं, अचीव कर पाते थे या नहीं, आपको इरेक्शन मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है या अचीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, रात में सोते समय या सुबह सुबह आपका इरेक्शन होता है कि नहीं, आप कब से ये प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई दवा तो नहीं ले रहे, कोई सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे, कोई ड्रिंक स्मोक ड्रग्स तो नहीं लेते, दारू तो नहीं पीते, आपका स्टेट ऑफ माइंड देखा जाएगा, आप डिप्रेस तो नहीं हो, स्ट्रेस्ड तो नहीं हो, एंक्शियस तो नहीं हो, डरे हुए तो नहीं हो, बहुत ज्यादा गुस्सैल तो नहीं हो, आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीजें देखी जाती है। और कुछ टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट से लेके यूरिन टेस्ट तक, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पता करने के लिए टेस्ट किए जा सकते हैं। और आपको एक डिवाइस भी पहनाया जा सकता है जो रात को चेक करेगा कि आपके जो नाइट टाइम इरेक्शंस हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं या नहीं। अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है आपके पेनिस का, ये देखने के लिए कि उसमें जाने वाली खून की नसें वो सही है, फ्लो सही है या नहीं। रिजिडिटी मॉनिटरिंग भी आती है जिसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी इरेक्शन कितनी स्ट्रांग है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं जिनसे कि आपके डिप्रेशन या अदर इमोशनल प्रॉब्लम्स को हम असेस कर सकें। तो इन सारी चीजों से हम जड़ पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जड़ पकड़ने के बाद ही सही इलाज हो पाता है किसी भी बीमारी का। इस बीमारी में भी ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा क्यों हो रहा है आपको दिक्कत, आपके डॉक्टर आपको इन सब का कारण बताएंगे। ज्यादातर लोगों में, ज्यादातर मर्दों में सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस ही काफी होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, आप थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करिए, हेल्दी डाइट खाइए, थोड़ा वजन कम करिए, और थोड़ी नींद ज्यादा लीजिए। बस ये 4 चीजों से आप देखोगे कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप या आपके पार्टनर को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है तो काउंसलिंग करा सकते हैं, काउंसलिंग से आपको हेल्प मिलेगी। और कई दफा कुछ लोगों में लाइफस्टाइल प्रॉब्लम काम नहीं करते, खासकर ओल्ड एज में, तो उनके केस में फिर आपको दवाओं की जरूरत पड़ती है। दवाएं 2 प्रकार से आ सकती हैं, एक तो जो आप एक्चुअली आप मुंह से लेते हैं वो दवाएं में आप वायग्रा लेते हैं, सिल्डेनफिल, आप लेविट्रा ले सकते हैं जिसका नाम है वार्डेनाफिल, सियालिस ले सकते हैं, टेडालाफिल, ये सारी दवाएं एक्चुअली
तभी काम करती हैं अगर आप सेक्सुअली अराउज्ड होते हैं, आपके अंदर इच्छा शक्ति होती है तब, राइट। और ये काम करने के लिए 15 से 45 मिनट लेंगी दवाएं तीनों, ठीक है, कोई भी एक लेनी है, तीनों नहीं लेनी। और इसके अलावा दवाएं ये भी आती हैं, वो दवाएं भी आती हैं जो एक्चुअली आपकी यूरिथ्रा में, पेनिस के छेद में जो इंजेक्ट की जाती हैं या वहां पे डाली जाती हैं, घुसाई जाती हैं, उनसे आपके पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और कई दफा इंजेक्शन जो है वो बहुत छोटे 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 माइन्यूट नीडल से दिया जाता है ताकि आपको दर्द भी ना हो, राइट। सर्जरी भी करा सकते हो, सर्जरी में इम्प्लांट्स डाले जाते हैं पेनिस के अंदर। इम्प्लांट्स जो है इन्फ्लेटेबल भी हो सकते हैं जिसमें फुलाया जा सके, या सेमी रिजिड होते हैं जिससे आपको हेल्प मिले, राइट। कई दफा वैक्यूम डिवाइस भी अवेलेबल है जिससे कि आपके ब्लड को पुल करके पेनिस के अंदर खींच लिया जाता है। इससे क्या, फिर आपके स्पेशल रबर बैंड लगा दिया जाता है पेनिस के बेस पे जिससे कि आपका इरेक्शन मेंटेन रहे पूरे इंटरकोर्स में। और अगर एक्चुअल टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जा सकती है जिससे कि आपका एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। वो ज्यादातर या तो स्किन पैच लगाया जाता है या इंजेक्शंस दिए जाते हैं, राइट। आप टेस्टोस्टेरोन ओरली लेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है ही नहीं। और याद रखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ये जो दवाएं हैं, वाइग्रा, सियालिस या लेविट्रा, वाइग्रा, सियालिस, लेविट्रा, इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और ये साइड इफेक्ट सिंपल मस्कुलर पेन, फ्लशिंग से लेके हार्ट अटैक तक सीरियस भी हो सकते हैं। इसीलिए बिना डॉक्टर से बात किए या अपने, अगर आपको ओल्ड हिस्ट्री है, हार्ट की हिस्ट्री है, तो फिर ये ना लें। कोई नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट लेते हैं तो इनके साथ ये ना लें, वरना बीपी और लो हो जाएगा, क्योंकि ये भी नाइट्रेट्स ही हैं, ये भी नसें फुलाती हैं, आपकी दवा भी नसें फुलाएंगी, बीपी सारा लो हो जाएगा, राइट। और अगर आपको मान लो रिसेंट या पहले कभी हार्ट अटैक आया है, स्ट्रोक आया है, हार्ट डिजीज है, एंजाइना है, इरेगुलर हार्ट बीट होती है, हार्ट फेलियर है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर कम है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये सब ना करें, राइट। फिर आप अपने डॉक्टर से बात करें और पता करें कि आपके लिए क्या सेफ है क्या नहीं, ठीक। और कई ऐसे हर्ब्स या सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो मार्केट में बहुत फैले हुए हैं और जो क्लेम करते हैं कि वो आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस और डिजायर बढ़ा देंगे, लेकिन इसमें से कोई भी, एक्चुअली कोई भी सक्सेसफुली इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट नहीं करता, प्रूवन नहीं है, राइट। और ये सेफ भी होंगे, सच नहीं है, इसमें साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ये हमने कई वीडियोस में देखा है। तो इसीलिए बिना किसी वेरीफाइड डॉक्टर से बात किए कोई भी उल्टे सीधे हर्ब सप्लीमेंट्स ट्राई करने मत बैठ जाना, ठीक है। ज्यादातर मर्द अपनी इरेक्शन प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं अच्छी लाइफस्टाइल से, ट्रीटमेंट से, या दोनों चीजों से। और ज्यादा सिवियर केसेस में ही आपको और आपके पार्टनर को एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपकी इरेक्शन प्रॉब्लम आपकी सेक्स लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, उसके साथ फिर एडजस्ट करके जीना पड़ेगा। कई दफा काउंसलिंग भी हेल्प करती है ऐसे सिचुएशन में जिसके स्ट्रेस अगर कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, उसको ट्रीट करने में, ठीक है ना। तो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आप को ये ना हो, प्रिवेंशन, यस आप कर सकते हो। सबसे पहले स्मोकिंग बंद कर दो, राइट। दारू पीना कम से कम कर दो, ज्यादा से ज्यादा एक या ज्यादा से ज्यादा दो पैग एक बार में, और इलीगल ड्रग्स लेना बंद कर दो। नींद अच्छी लेना है, रिलैक्स टाइम अपना बढ़ा देना है, और हेल्दी वेट मेंटेन करना है अपनी हाइट के अनुसार, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट खानी है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, डायबिटीज है, शुगर है, तो उसे कंट्रोल रखना है, और सबसे जरूरी अपने पार्टनर से, अपने डॉक्टर से, अपने सेक्स लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में खुल के बात करनी है, उसके बगैर नहीं होगा। और काउंसलिंग अगर जरूरत है तो काउंसलर से जाके मिलिए, उसके बगैर उससे एक्चुअली बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इम्पोटेंसी नहीं है,
सेक्सुअल डिसफंक्शन इम्पोटेंसी इसको सिनोनिम में बोल देते हैं, लेकिन ये टेम्पररी प्रॉब्लम हो सकता है। आपको सिर्फ इसको ठीक करना है, इसका कारण पकड़ना है। तो ये हुई सारी बात इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, होप आपको समझ आई है। इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कल फिर आइए एक और टॉपिक के बारे में सीखने के लिए। मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।